हेलो दोस्तों, आज आप सबके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया सा समर हैक्स का वीडियो, गर्मियों से जुड़े किचन टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, कभी कभी होता यह है कि हमारी कुछ चीज़ें फ्रिज में भी बड़े बड़े खराब हो जाती हैं, उनका हम समझ नहीं पाते कि क्या यूज़ करें। घर में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे हम यूज़ करना चाहते हैं, पर हमें पता नहीं होता गर्मियों से जुड़े हुए, तो चीज़ें भी खराब ना हो, आपका किचन भी स्मूथली चलता रहे। तो चलिए, किचन कुकिंग टिप्स का ये वीडियो देख लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आज के औसम से वीडियो की तरफ। कभी कभी जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है दोस्तों, घर में गेस्ट आते हैं या फिर हमें ही कुछ ठंडा रिफ्रेशिंग सा पीने का मन करता है, तो फिर घर में कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है और उनमें हम आइस क्यूब्स डाल लेते हैं, चुपचाप पी लेते हैं। पर क्या आपको फ्रूट पॉप्सिकल्स बनाने आते हैं? अगर नहीं तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ, आज मैं आपको बताऊँगी अंगूर से पॉप्सिकल्स बनाना। जी हाँ, बहुत ही सिंपल तरीका है अंगूर से पॉप्सिकल्स बनाने का, और ये पॉप्सिकल्स आप अपने किसी भी ड्रिंक में, किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक में, रिफ्रेशिंग ड्रिंक में, शिकंजी वगैरह में डालकर पियेंगे तो आपको बहुत ही डिफरेंट आइडिया ये लगेगा, साथ ही बहुत ही अच्छा भी लगेगा, और फ्रूट का जो हेल्दीनेस है वो आपके ड्रिंक में तो जाएगा ही जाएगा। गर्मियों के दिनों में फ्रूट्स हम सबके घरों में होता है, तो कुछ इस तरीके से आप अंगूर के दानों को अलग कर लें और डंठल जो है उनको निकाल लें, साथ ही अंगूर को अच्छे से वॉश कर लें, और वॉश करने के बाद इसे थोड़ा सा मतलब इसका पानी निकाल लें, और पानी निकालने के बाद आपको करना ये है कि इस अंगूर को उठाकर फ्रीजर में रखना है। जी हाँ, इस अंगूर की प्लेट को उठाकर आपको फ्रीजर में रख देना है, और फ्रीजर में आपको रखना है 3 से 4 घंटे। 4 घंटे के बाद जब आप निकालेंगे तो देखेंगे अंगूर हमारे कुछ इस तरह से हार्ड हो जाते हैं। और ध्यान रखें कि अंगूर को फ्रीजर में रखने से पहले आप कोई टिश्यू पेपर ले लें, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसे टिश्यू पेपर पर रखकर और फिर फ्रीजर में रखा है, तो बस इसे हम रख देंगे टिश्यू पेपर पर, और 4 घंटे बाद ये अंगूर हमारे बहुत अच्छे हार्ड हो जाते हैं। फिर हम कोई सा भी ड्रिंक लेंगे, जो भी कोल्ड ड्रिंक आपको पीना हो, उसमें ये पॉप्सिकल्स आप डाल दें कुछ इस तरीके से। आइस क्यूब्स का यूज़ ना करें इस टाइम पर, तो कुछ इस तरीके से जब हम पॉप्सिकल्स यहाँ पर डालेंगे अंगूर के बने हुए, तो देखने में भी अच्छे लगेंगे, मेहमानों को भी अच्छे लगेंगे। आप अपनी किटी पार्टी में सर्व कर सकते हैं, या फिर घर पे आए गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, या खुद भी इस तरह के पॉप्सिकल्स डालकर बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये डिफरेंट आइडिया आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आई होप आपको मेरा ये समर हैक्स अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर समर हैक ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। गर्मियों के दिनों में दोस्तों, दही हम सबके घर में होती है, और हमारे घर के लोग भी दही बहुत ही प्रेम से खाते हैं। पर दही खाने और खिलाने का अंदाज अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए, तो आई होप ये सबसे ज़्यादा तो बच्चों को पसंद आएगा, साथ ही घर के बड़ों को भी पसंद आएगा। एक तो आपको पता है कि दही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो कभी जब भी आपके घर में दही एक्स्ट्रा हो तो आप ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करना। उसके लिए आपको करना ये है कि दही लेनी है, दही एकदम सिंपल सी लेनी है, घर में जमी हुई कोई सी भी दही हो, थोड़ा पानी हो तो भी चलेगा। तो उसमें आप डाल दें अपने स्वाद अनुसार चीनी, जी हाँ थोड़ा सा शुगर ऐड करें, और कोई सा भी एसेंस हो, तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज एसेंस यूज किया है। आपके पास केवड़ा एसेंस या फिर गुलाब जल कुछ भी हो वो आप हल्का सा फ्लेवर के लिए डाल दें। साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, फूड कलर आप येलो, रेड, ग्रीन, ऑरेंज कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर लिया है। और दही में हम शुगर और एसेंस फूड कलर को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद से हमें चाहिए होंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या फिर टूटी फूटी, जो घर में आमतौर पर हमारे घर में होते हैं, मैंने यहाँ पर चॉप टूटी फूटी लेकर यहाँ पर मिक्स कर दी है। तो चूंकि हमारा दही अभी येलो है, तो मैंने ग्रीन डाली है जिससे ये दिखे। और उसके बाद से जो चाय के ग्लासेस होते हैं, या फिर आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स हो, या फिर कुछ इस तरीके के जिसमें आप कोई कैंडी जमा सकें, वो आप ले लें। तो यहाँ पर मैं चाय वाले जो छोटे छोटे ग्लासेस होते हैं उनमें जमा कर आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें हम डालेंगे अपना ये कर्ड वाला मिक्सचर, और इसके बाद से हमको करना ये है कि इन ग्लासेस को एल्युमिनियम फॉयल से रैप कर देना है। और रैप करने के बाद बस हमें ज़रूरत होगी या तो आइसक्रीम स्टिक्स की, या फिर टूथपिक, जो भी चीज़ आपके घर में अवेलेबल हो वो यहाँ पर लगाना है आपको। तो यहाँ पर मैं पहले क्या करूँगी कि नाइफ से हल्का सा कट लगा दूँगी, जिससे कि हमें स्टिक या फिर टूथपिक डालने में दिक्कत ना हो। और बस आइसक्रीम स्टिक लेकर कर्ड में अच्छे से नीचे तक डाल दें, जिससे कि जब कैंडी जमे तो वो काफ़ी अच्छे से जम जाए। और इसे हम फ्रीजर में छोड़ेंगे एक बार 7 से 8 घंटे के लिए, या फिर आप ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। ओवरनाइट के बाद आप देख रहे हैं कि हमारी जो कर्ड कैंडी है या फिर योगर्ट कैंडी है वो काफ़ी अच्छे से जमकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा पानी में डालें, या फिर आप ग्लास को हाथों से ही अगर अच्छे से रब कर देंगे, तो देखेंगे कि फटाफट से ये योगर्ट कैंडी निकलकर बाहर आ जाती है। लीजिए, हमारी ये योगर्ट कैंडी निकलकर बाहर आ गई है। वाओ, कितने बढ़िया दिख रहे हैं ना हमारी ये योगर्ट पॉप्सिकल्स या योगर्ट कैंडी। बच्चों को देंगे अगर बनाकर, तो बच्चे तो खुश हो जाएंगे। और फ्रीजर में हमेशा आप बनाकर इसे रख भी सकते हैं।
दही कभी भी खराब हो रही हो, खट्टी हो रही हो, लेफ्ट ओवर दही हो, तो उसका आप इस तरीके से यूज़ करिए। हेल्दी पॉप्सिकल्स आपको ही पसंद आएंगे, बच्चों को ही पसंद आएंगे। तो गर्मियों में इन ठंडी ठंडी चीज़ों का मजा लीजिए और मुझे फीडबैक देकर बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला तरीका कैसा लगा पॉप्सिकल्स जमाने का। तो आप भी जो है इस तरीके से कैंडी जमाइए, पॉप्सिकल्स जमाइए, गर्मियों का मजे लीजिए। तो आई होप आपको मेरा ये हैक पसंद आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। आज का जो थर्ड समर हैक है दोस्तों बहुत ही खास है। खास ये है कि बिना फ्रिज के हरी पत्तियों को हम कैसे सुरक्षित रखें, कैसे आप इसे किचन के प्लेटफॉर्म पे छोड़ दें और ये 8 से 10 दिनों तक भी एकदम ताजा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने जो है चौलाई की कुछ पत्तियां ली हैं, आप पालक की पत्तियां ले सकते हैं, पुदीने की पत्तियां या फिर धनिया की पत्तियां, जिनमें की जड़ हो, स्पेशली उन ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए ये ट्रिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पत्तियों को अच्छे से छांट लेंगे, इनको एक बराबर से हाथों में लेकर, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं ऐसे कर रही हूँ, हमें इन्हें जड़ वाले हिस्से से एक पार्ट से अच्छे से पहले इकट्ठा कर लेना है, जिससे कि इनके जड़ को हम थोड़ा सा सही कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम इसे छांट लेते हैं और उसके बाद से जो है देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सारे जड़ वाले हिस्सों को एक साथ रखा हुआ है और अब हम ये करेंगे कि इनका जो रूट्स है जिनमें मिट्टी वगैरह लगी है, उन रूट्स को मैं यहाँ पर नाइफ से कट कर दूंगी। एक बराबर से कट करें जिससे कि इसे रखने में आसानी हो। तो लीजिए मैंने यहाँ पर रूट्स को कट कर दिए हैं और रूट्स को कट करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, चलिए वो भी देख लेते हैं। इसके बाद से मैंने लिया है कांच का एक ग्लास जिसमें कि आधे ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है। अब हमें यहाँ पर इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को या फिर ग्रीन लीव्स को पानी में इस तरह से सोक कर देना है, डुबो देना है और बस उसके बाद से कोई जिप लॉक हो या फिर कोई भी इस टाइप का पॉलीथीन बैग हो जिसमें आप ट्रांसपेरेंट देख सकें, ब्लैक का यूज़ ना करें, ट्रांसपेरेंट कोई सा भी पॉलीथीन लेकर आप इस ग्लास को ढक दें अच्छे से और इसे अपने प्लेटफॉर्म के किसी कोने पे छोड़ दें। तो 6 से 7 दिन या फिर 8 दिन भी दोस्तों आपकी ये ग्रीन जो पत्तियाँ हैं वो एकदम ग्रीन रहेंगी, बिल्कुल भी सूखेंगी नहीं। और इस तरीके से आप भी जो है आप ये आइडिया लगा कर देखिएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स एकदम सेफ होती हैं चाहे आप इसे कितने दिन तक भी रखिए। तो बस यहाँ पर इसे मैं छोड़ दूंगी किचन के प्लेटफॉर्म पर, आप भी ये है यूज़ करके देखिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। सर्दियों में दोस्तों हम सब गरम गरम सूप सभी के घर में बनता है, पर क्या आपने कभी गर्मियों में चिल्ड सूप ट्राई किया है? नहीं ट्राई किया है तो चलिए आज आपको मैं बताती हूँ, बहुत ही बढ़िया सा तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है वेट लॉस का। बच्चों को पसंद हो तो बच्चों को पिलाइए, और गर्म चीज़ें जो है गर्मी में नुकसान करती हैं, तो ये ठंडी चीज़ जब बनाकर हम खाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप कभी कभी होता ही है कि हम सैलड काट लेते हैं, सैलड हमसे खाई नहीं जाती, तो इस तरीके से आप सैलड के आइटम्स जो हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिए हैं खीरा, गाजर, टमाटर, आपके पास बीटरूट हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, स्पिनच की कुछ पत्तियाँ ऐड कर सकते हैं, लेट्यूस ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास सैलड के आइटम हो वो आप ऐड कर लें। तो सैलड ना खाने की बजाय आपको करना ये है कि चिल्ड सूप बनाना है, तो यहाँ पर मैंने मिक्सर जार में सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं, थोड़ा सा लिया है विनेगर और हाफ लेमन जूस मैं यहाँ पर लूँगी, टेस्ट के लिए थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, साथ ही मैंने सॉल्ट लिया है थोड़ा सा। तो इस कुछ इस तरीके से हम ये चीज़ें ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला है, जो भी चीज़ें आपको पसंद हो आप ऐड करें, 2 से 3 आइस क्यूब्स लिए हैं, लीजिए चलिए इनको अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड हो चुका है, इसे अब सर्व करते हैं एक बाउल में, और बाउल में लीजिए सर्व करते ही आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है, टेम्पटिंग दिखता है। तो यहाँ पर हमारा चिल्ड सूप बनकर रेडी है, इसमें अब हम थोड़ा सा डालेंगे हरी धनिया की पत्तियाँ, तो बस हरी धनिया से गार्निश करेंगे और बाकी सारी चीज़ें आपको दिखाई मैंने जो मैंने पहले ही ऐड करी हैं, उनसे इसका टेस्ट एकदम ऑसम होगा, कोई भी तड़का वड़का लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसे ऐसे ही आप चाहें तो थोड़ा सा पतला करके ग्लास में डालकर ले सकते हैं, या फिर थोड़ा गाढ़ा है तो इसे आप स्पून से इंजॉय कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि ये आइटम बच्चों और बड़ों सबको पसंद आता है, मैंने अपनी बेटी को बनाकर खिलाया, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और वो अभी सिर्फ 6 ईयर्स की है, तो उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस चीज़ को खाने में, उसने बोला कि बार बार बनाकर खिलाना माँ। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना ये हैक आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आप भी चिल्ड सूप बनाइए घर में, खुद भी जो है पीजिए, घर वालों को भी पिलाइए। तो कुछ इस तरीके से आपको ये हैक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो यहीं तक था, आपको मेरे ये समर हैक्स कैसे लगे, फिर लेकर हाजिर होंगी अपने समर हैक का पार्ट 3। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।